गाइस, आज है सावन का तीसरा सोमवार और हम आ गए हैं महादेव के धाम पे। ये बहुत ही फेमस एक महादेव जी का मंदिर है, एक पहाड़ी पर है। पहाड़ इतना ऊंचा है ना वहाँ पे बहुत ऊंचा है, मतलब वहाँ पैदल जाना तो बहुत थक जाएंगे, तो हम लोग बाइक से जाएंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। आजा बेटू, चलो 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 जल्दी चलो, ये गोदी ले लो, अभी थक गई है। हाँ, ये राजा पहाड़ी है। तो राजा पहाड़ी बहुत ही फेमस है और ये पहाड़ पे स्थित, तो बहुत ऊंचा है। तो मैं आपको ना यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ, तो आ जाइए मेरे साथ। पहले गेट पास तो ले लो। अरे भूल गए तो 10 रुपए लगता है यहाँ पे गेट पास, तो दोनों के इससे हमारी बाइक क्या किस लिए रहता है ये गाड़ी पार्किंग का, गाड़ी पार्किंग। गाड़ी चलो हमने ले लिया है पास, अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है शायद सावन की वजह से। झूला कहाँ है? अरे इसको दिख गया झूला तो झूला दिख गया। हाँ, तो गाइस बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, बहुत ऊंचा चढ़ना है अभी। हाँ आइए। हाँ बेटा, तो हम लोग ऊपर चढ़ के, हाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, झूला वगैरह लगा है, तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो पहले दर्शन कर लो ना, आते समय झूलेंगे। तो यहाँ पे रास्ते में लगा है मेला टाइप का झूला, तो सोच रही है, मतलब ये कह रही है कि झूला झूलेंगे पहले, पहले दर्शन कर लो। और वहाँ देखिए, वहाँ से जाने का रास्ता अभी है अभी, तो चलो थोड़ा सा इसको झूला देते हैं। चलो ठीक है, इसको झूला दो थोड़ा सा। किस पे झूलोगे, ये बाइक पे कार पे? जल्दी बताओ, इस पे की कार पे? उस पे। बाइक पे घूमेगी, बाइक पे, बाइक पे। जा बैठो, कस के पकड़ी रहना। हम नहीं बैठेंगे, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये कौन सा भाषा है? कार पे घूमोगी? चलो, बहुत धूप हो गया, धूप बहुत, आते समय बेटा, आते समय, ठीक है, अभी धूप है ना, चल दर्शन कर ले दर्शन। तो चलिए हम लोग पहले वहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, तो अब चलते हैं अंदर, अभी भी बहुत ऊंचा चढ़ना है। तो सबसे पहले हम ना प्रसाद ले लेते हैं, आओ प्रसाद ले ले। सीटी सीटी बजा रही है, हाथ धुला दीजिएगा थोड़ा, लो पकड़ो सीटी, चल हाथ धो लो, चप्पल ही खोल दो। हाँ चप्पल ही खोल देना ना, चल बाबू को चप्पल आप खोलिएगा, फिर आप हाथ धो लीजिएगा, ठीक है। तो हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आप लोग को अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कौन से जगह पे हैं। तो चलो ना मैं आपको बता देती हूँ, ये है झारखंड, झारखंड का एक क्षेत्र है नगर उटारी, ये है नगर उटारी का राजा पहाड़ी। यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर है। तो यहाँ पे ना, मतलब अब तो रास्ता बन गया है, इस वजह से 2 मिनट में पहुँच गए हम लोग, वरना पहले रास्ता नहीं था। मम्मी लोग बताती थी कि चढ़ते चढ़ते घंटा 2 घंटा हो जाता था। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कुछ भैया लोग अपना फोटोग्राफ का दुकान खोले हुए, मतलब फोटो खिंचाइए फटाफट इंस्टेंट। तो सबका है, अच्छा लग रहा था यहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा है ना, तो मेला वगैरह लगा है। तो यहाँ पे मैंने दर्शन किया और बेटी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इसको मैंने देखिएगा किस तरीके से टांग लेती हूँ बहुत, मतलब क्या ही बताओ यार, ये लड़की ना मतलब बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। आज इसको बबल नहीं मिला ना, तो एकदम मेरा माथा खा गई है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको ना भगवान जी का दर्शन कराते हैं। और ये ना श्री नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि ये मेरी कॉपीकेट क्या क्या करती है भगवान जी के साथ और पंडित जी के साथ बहुत बदमाश है, पता नहीं ये लड़की क्या खा के पैदा हुई है तो चलिए यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा पाठ, और उसको सुर लगा था केवल टीका लगाने का, प्रसाद लेने का। और इसको बच्चा समझ के पंडित जी अच्छा प्रसाद दिए, मतलब पेड़ा दिए और लाइची दाना नहीं दिए। लगी रोने के, नहीं मुझे पेड़ा नहीं, मुझे लाइची दाना ही चाहिए, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी से थोड़ा सा प्रार्थना किया कि बस बस हमारी लाइफ ऐसे ही खुशी खुशी बीते, और कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से। और यहाँ पे बेटी भी मेरी कॉपी कैट की, फिर उसके बाद मुझे प्रसाद मिला, और प्रसाद मिलने के बाद देखिए इनका नाटक क्या होता है। तो गाइज आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि नगर उटारी में कौन से भगवान का धाम है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा, तो पता होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, वरना मैं तो लास्ट में बताऊँगी ही। तो यहाँ पर ना क्या ही बताऊँ, तो ये देखिए पहले क्या कर रही है, प्रसाद वो नहीं ली, पेड़ा नहीं ली, इलायची दाना मांगी और टीका लगवाई।
और चलिए यहाँ पे मेरा दर्शन हो गया है और आपको ये दिखाते हैं ना कि कितना ऊंचा पे है ये मंदिर। तो ये है श्री नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर। और देखिए मैं तो ज़्यादा किनारे नहीं गई, मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे ना हाइट से वो है, मतलब मैं देखती हूँ तो मुझे झाड़ टाइप का मारने लगता है। तो ये देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी ऊँचे पे है, देख रहे एकदम छोटा छोटा बिल्डिंग दिख रहा है, ये पूरा नगर उटार ही दिख रहा है, लेकिन कितना छोटा छोटा दिख रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ऊँचा है। मतलब शायद आपको मतलब फ़ोन में समझ में ना आए लेकिन रियल लाइफ में देखेंगे तो बहुत दिख रहे हैं बिल्डिंग, या बिल्डिंग कितनी छोटी छोटी दिख रही है। तो काफ़ी ऊँचे पे है, बस ये है ना कि अब बन गया है तो आपको आने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा चढ़ने में पहाड़। और इसके आगे ना मतलब माता वैष्णो जी का भी गुफा है, तो इसको ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट में बाबा बंसीधर का भी दर्शन कराऊंगी क्योंकि ये नगर उटारी का फेमस धाम है।